जबलपुर में माफ करिएगा, जबलपुर के कोलगा बाजार स्थित सुधा नर्सिंग होम पर एक मरीज के लगाए गए संगीन आरोप पुलिस जांच में छूटे पाए गए। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम में इलाज कराने वाले एक मरीज ने अस्पताल प्रबंधन पर उसे मृत कोरोना मरीज बताकर जीवित ही पॉलिथिन में लपेटने का आरोप लगाया था। पुलिस जांच में पाया गया कि नरसिंहपुर निवासी मरीज ने अपने बिल को कम करने के लिए झूठा आरोप लगाया था। सुधा नर्सिंग होम अब मरीज पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। जबलपुर की थाना आधारतला पुलिस ने एक ट्रक से अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने यह बरामदगी की है। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बड़ी संख्या में अंग्रेजी शराब शहडोल के लिए रवाना हुई है, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर ट्रक चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में दारू जा रही है शराब, उसमें परमिट के अतिरिक्त 10 पेटी अतिरिक्त शराब है उसमें। तो मुख्य की सूचना पर 4 लेन हाईवे पर अपना दाऊ मैरिज गार्डन के सामने हमने ये शराब ट्रक को पकड़े हैं और इसमें कितनी अतिरिक्त शराब है और ये इंदौर रहू से होते हुए शहडोल जा रही थी, इसमें अतिरिक्त शराब कितनी है उसकी हम अभी जाँच कर रहे हैं। जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने पेटी शराब है इसमें? 1310 पेटी शराब है।